हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गुजारिश आप लोगों से ये करनी थी कि आज तक मैंने जितने भी मैसेज रिलीज़ किए हैं वो प्योरली आप लोगों के लिए किए हैं, आप लोगों के बेनिफिट के लिए किए हैं, आप लोगों को गाइड करने के लिए किए हैं। रतलमकान कोशिश की है कि आपको हर हवाले से पॉसिबली गाइड किया जाए, आपको चीज़ों से एक्नॉलेज किया जाए, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो, जो आपकी मिसपरसेप्शन हैं उनको दूर किया जाए और आपकी जो टेंशन है उनको रिलीज़ किया जाए। तो ये जो आज का मेरा मैसेज है ये प्योरली अपनी ज़ात के लिए है, निजी फ़ायदे के लिए है। तो मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूँ कि आप लोग, कभी मैंने आप लोगों से नहीं ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको फॉरवर्ड करें, आप इसको अपने स्टेटस पे लगाएं, लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन मैं इस मैसेज के थ्रू ये चाहूँगा कि आप मेरा पैगाम अपने ताकि फैलोज के साथ भी, जो मुझे परमानेंटली फॉलो नहीं करते, उन तक पहुँचाएँ और ज़रूर पहुँचाएँ। पिछले दिनों, परसों की बात है, मेरे प्यारे मामू हाजी अपने वालद साहब थे, प्यारे भाई कसर शकूर गुजर साहब के प्रिंसिपल इन्फॉर्मेटिव कॉलेज आरवाला, उनके वालद साहब का इंतकाल हो गया था, तो आज उनका कुर्बानी का ख़त्म है। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एतमाद से एतबार सुबह उनको ये साले सवाल करें, सूरह फातिहा हो जाए, सूरह यासीन हो जाए, उस बारे आप लोगों ने पढ़े होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मकसद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बाबू में से एक बार में। तो मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एतमाद से एतबार सुबह आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पैदा करें और आप लोग जितना हो सके उतना आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, जितना हो सके आप अपनी तरफ से सारे सवाल करें, सूरह फातिहा पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें, वहाँ टाइम अपनी सूरह दुरूद शरीफ पढ़ लें और उनको सारे सवाल करें। आप लोगों से एक बार से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आप सबका हम नजर हो, दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्योरली आप लोगों के लिए रिलीज़ करें, तब तक के लिए ओके।